फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक एचपी की क्रॉम्पटन कंपनी की पानी की मोटर। इस मोटर के अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी जो ये सील है, यहाँ से ये सील लीकेज हो रही है, और जब सील लीकेज होती है तो मोटर के अंदर पानी चला जाता है। उस कंडीशन में मोटर ख़राब हो सकती है पानी जाने की वजह से। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मोटर की सील किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है एक एचपी की मोटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। यहाँ से पानी की बूंद गिरती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी गिर गिरकर यहाँ पर जंक लग चुकी है। सबसे पहले यहाँ पर तीन बोल्ट लगे हैं, इन तीन बोल्टों को खोलेंगे। ये एक हॉर्स पावर की मोटर है, बड़ी मोटर है, तो इसमें 10 नंबर के बोल्ट लगे हैं, और अगर आधे हॉर्स पावर की होती तो इसमें 8 नंबर के बोल्ट लगे होते हैं। तो फटाफट से हम इन तीनों बोल्टों को खोल लेते हैं। तो ये हमारे तीनों बोल्ट खुल चुके हैं, और अब हम क्या करेंगे, मोटर को सीधा करेंगे और यहाँ पर इस जगह पर चोट मारेंगे, हल्के हल्के यहाँ मारेंगे, हल्के से यहाँ पर मारेंगे, और फिर उल्टी चोट मारेंगे। दोबारा से इसी तरह से हिला हिला करके इस पंप को बाहर को निकालेंगे। तो ये हमने पंप हिला दिया, उसके बाद यहाँ पर पेच कर डालेंगे स्क्रू ड्राइवर, अगर दिक्कत हो तो दो स्क्रू ड्राइवर भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम ये पंप को अलग कर देंगे, मोटर को सीधा करेंगे। ये इसकी पैकिंग है यानी रबड़, इसको एक साइड कर देंगे। तो फ्रेंड, ये हमने पंप खोल दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसके इम्पेलर है इसको हम बाहर को निकालेंगे। तो इम्पेलर किस तरह से बाहर निकालेंगे, ये हमारे पास एक कूलर है इम्पेलर निकालने का, और इसको हम इस तरह से लगाएंगे। और इसके जो बोल्ट है, जो हमने यहाँ से तीन बोल्ट खोले हैं ये वाले, इसमें से दो बोल्ट हम यूज़ करेंगे। किस तरह से, इन दोनों बोल्टों को हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और दूसरा बोल्ट यहाँ पर लगा लेंगे। ये 10 नंबर के बोल्ट है, और अगर आधे एचपी की मोटर होती, आधे हॉर्स पावर की, तो इसमें 8 नंबर के बोल्ट लगते, जो कि यहीं पर जो यूज़ होते हैं वही बोल्ट इसमें काम में आ जाते हैं। तो इसको हम टाइट करेंगे, अच्छे तरह से टाइट करेंगे। अगर बोल्ट लूज़ रहेगा तो चूड़ी स्लिप हो जाएंगी, तो इसको हम अच्छे तरह से टाइट करेंगे, और दोनों बोल्ट हम बराबर बराबर टाइट करेंगे। ऐसा नहीं हो कि एक ऊंचा हो और एक नीचा हो, दोनों को बराबर टाइट करेंगे। तो ये वाला हमारा थोड़ा सा कम टाइट था, इसको हम पूरा बराबर कर लेते हैं, अभी भी कम है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों बोल्ट बराबर टाइट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो बोल्ट है इस वाले को हम टाइट करेंगे, और इस वाले बोल्ट को हम टाइट करते जाएंगे। तो ये जो हमारा इम्पेलर है बहुत ही आसानी से ईज़िली निकल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा इम्पेलर निकल गया है, और उसके बाद ये बोल्ट हम वापस खोल देंगे, दोनों बोल्टों को फटाफट से इसको खोल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाबी लगी है, इसको बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। ये चाबी घूमनी नहीं चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। ये हमारी चाबी बाहर को निकल चुकी है, इसको हम संभाल करके रख लेंगे, क्योंकि दोबारा इसको लगाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करेंगे, एक लॉक प्लास लेंगे या किसी भी चीज़ से, ये इसके अंदर एक लॉक लगा है, इस लॉक को हम बाहर को निकालेंगे। ठीक है, ये लॉक हमने निकाल दिया है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी सील है इसके अंदर, इसको हम बाहर को निकालेंगे। ये सील तो ख़राब हो गई है, ये सील हमें चेंज करनी होगी, तो इसको हम बाहर को निकाल लेंगे, चाहे कैसे भी निकालें। और ये हमारी सील निकल चुकी है, वो काफ़ी टाइट है, यानी कि काफ़ी पुरानी सील हो गई है, इस वजह से इतना परेशान कर रही है। ये सील हमारी निकल चुकी है, इसकी पत्थर जो है वो अंदर रह गया है, तो पत्थर को भी हम निकाल लेते हैं। तो ये पत्थर भी इसका निकल चुका है, ये पत्थर जो होता है वो घिस जाता है, इसमें जो है टेपर ख़राब हो जाता है, उस वजह से सील लीकेज हो जाती है। और एक पत्थर अंदर लगा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्थर लगा वाइट कलर का, इस पत्थर को भी हमें बाहर को निकालना होगा, क्योंकि अगर हम इस पत्थर को भी चेंज नहीं करेंगे तो फिर सील लीकेज फिर भी दोबारा से हो सकती है। तो इसको हम तोड़ के बाहर को निकाल लेते हैं। ये पत्थर आधा निकल गया, आधा ये निकल गया, और अब इसके अंदर जो है सील की रबड़ रह गई है, इस सील की रबड़ को भी बाहर को निकालेंगे, नई रबड़ लगाएंगे। तो ये रबड़ भी निकल चुकी है, इसको हम साफ़ कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसमें कचरा वगैरह है, इसको हम पानी से थोड़ा सा धो लेंगे, इस तरह से हल्का सा पानी डालेंगे, मोटर में पानी ना जा पाए, इस तरह से पानी डालेंगे, तो जो कचरा वगैरह है वो सब साफ़ हो जाएगा और जो है निकल जाएगा। तो अब हम मोटर को दूसरी जगह पर रख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मोटर को दोबारा से खड़ा कर लेंगे इस तरह से, और जो इसकी पुरानी वाली सील है इस सील की जगह नई सील लगाएंगे। तो देख लेंगे कि सील कितने एमएम की है, यहाँ पर क्या लिखा है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा 16F, यानी कि ये 16 mm की सील है। यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा ये 16 mm की सील है, तो हमें इसके अंदर 16 mm की सील लगानी होगी। तो ये हमारे पास डायमंड कंपनी की ओरिजिनल सील जो कि है 16 mm की, यहाँ पर लिखा 16 mm, तो ये हमारे पास 16 mm की सील। सील को हम ओपन करेंगे, और इसके अंदर जो मटेरियल निकलता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ना ही बाहर की पैकिंग है, और सिर्फ एक पत्थर नीचे वाला है और एक पत्थर ऊपर वाला है। सील को हम चेक कर लेंगे कि इस साइज़ की है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं सील बिल्कुल सेम साइज़ की है, 16 mm की है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पत्थर है इसका पत्थर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ग्रीस लगा लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर किनारी है तो ये सिरा अंदर की साइड आएगा, ठीक है। और यहाँ पर चारों तरफ ग्रीस लगा लेंगे अच्छी तरह से, यहाँ पर ग्रीस लगा लेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से लगाएंगे, फिर इसको आराम से नीचे को बिठा लेंगे। तो इस पत्थर को हम अच्छे तरह से बिठा लेंगे, चारों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर बैठ जाना चाहिए। तो ये हमारा सील का जो पत्थर है वो बैठ गया। अब हम इसके अंदर सील लगाएंगे, ये रही सील। इसके अंदर भी हम ग्रीसिंग लगा देंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये नीचे वाला पत्थर निकल गया, हमारे हाथ में रह गया ये सील इस तरह की है। और ये वाला जो सिरा है इसका पत्थर वाला, ये नीचे रहेगा, और ये वाला जो प्लास्टिक वाला सिरा है ये ऊपर रहेगा। जो पत्थर वाला सिरा है ये नीचे रहेगा, जो प्लास्टिक वाला सिरा है ये ऊपर रहेगा। इसको इस तरह से बिठा लेंगे। इसको किसी पाइप वगैरह से इस तरह से ठोक देंगे, तो ये पाइप हमारा नहीं आ रहा, तो हम किसी और चीज़ से इस तरह से जो कि गोल चीज़ हो आराम से बिठा लेंगे। कहाँ तक बिठा लेंगे, जहाँ तक जो इसमें चाबी घाट है यानी जहाँ पर लॉक लगेगा वहाँ तक इसको बिठा लेंगे। तो यहाँ पर ये लॉक दिखाई देगा, लॉक का खांचा ये। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉक लगा देंगे। तो ये रहा हमारे पास लॉक, और ये रहा लॉक प्लस। इसको ये लॉक थोड़ा सा फैल गया है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, दबा लेते हैं, और इस लॉक को इस तरह से फंसाएंगे और लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हल्का सा इसको दबा देंगे, यानी कि खांचे में बिठाल देंगे। तो खांचे में बैठ गया है ना बैठा, किसकी क्या पहचान होगी। इसको हल्का सा घुमा के देखेंगे तो ये सही से घूम रहा फिरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी चाबी है यहाँ पर हल्का सा ग्रीस लगाएंगे, ताकि जब हम चाबी लगाएं तो ये चाबी यहाँ से जो है ठोकेंगे तो ये चाबी भागे ना। चाबी को सेट कर लेंगे, और फ्रेंड हमने पीछे का कवर और पंखा निकाल दिया, ताकि जब हम मोटर का इंपेलर ठोकेंगे तो ये पंखा और कवर टूटे ना। तो ये हमने चाबी लगा दी है, उसके बाद हम मोटर को दोबारा से खड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इसका इंपेलर है ये इंपेलर बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर जो इसकी चाबी लगी है, और यहाँ पर इंपेलर में ये खांचा है, ये हम इस तरह से, ये जो इसका टॉप है ऊपर वाला ये लंबा सिरा ये ऊपर रहेगा, और ये वाला सिरा गड्ढे वाला सिरा ये नीचे रहेगा। तो इसको हम इस तरह से, ये जो है इसको इस तरह से रखेंगे, और जो नीचे वाले हमने ये लगाया है इसको हम हटा देंगे, ताकि जो है इंपेलर फुल सपोर्ट से ठुके, यानी जो इसकी शाफ्ट है वो ज़मीन पर टिक जाए और इंपेलर बिल्कुल ओके बैठे। उसके बाद इस इंपेलर को किसी चीज़ से इस तरह से अच्छे तरह से ठोक देंगे, तो ये जो इंपेलर है बिल्कुल जाम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको ठोक दिया है, ये जो इंपेलर है वो यहाँ पर टकरा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाम है, हल्की सी चोट पीछे से मारेंगे ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से फिर से खड़ा कर लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चारों तरफ ग्रीसिंग लगाएंगे, और जो इसकी पुरानी वाली रबड़ है यही रबड़ लगा देंगे। नई वाली सील के अंदर कोई रबड़ नहीं निकली है, तो ये रबड़ भी हमारी ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस रबड़ को हमने लगा दिया है, ऊपर से हल्का सा ग्रीस और लगा सकते हैं चाहें तो। और उसके बाद जो इसका पंप है ये लगाएंगे, तो ये पंप में यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये टॉप साइड में रहेगा, ये इस तरह से टॉप साइड में रहेगा। और उसके बाद जो इसके बोल्ट हैं ये बोल्ट लगा देंगे इसको खांचे को मिला करके। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने तीनों बोल्ट लगा दिए हैं, और उसके बाद हम तीनों बोल्टों को आराम से बराबर बराबर टाइट करेंगे, और उसको एक दो बार हथौड़े से पीछे से ठोक करके इसको पूरा बिठा लेंगे, और दोबारा से पेचों को टाइट कर देंगे। तो
तो अच्छे तरह से हम पेचों को टाइट कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड ये हमारे तीनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं, अब हम मोटर को सीधा करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका पंखा है उस पंखे को लगा लेंगे। पंखे के अंदर एक होल है, उस होल को सेंटर में रख करके इसको अंदर को ठोक देंगे और उस स्क्रू को टाइट कर देंगे। उसके बाद जो इसका पीछे का कवर है उस कवर को भी हम लगा लेते हैं। यहाँ पर इसके पेच लगा देते हैं, तीन पेच है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने स्क्रू लगा दी है और इन स्क्रू को हम टाइट कर देंगे अच्छे तरह से। तो ये हमारी मोटर रेडी हो चुकी है, अब हम मोटर के अंदर पानी डालेंगे और सील को चेक करेंगे कि सील लीकेज तो नहीं है। तो हमने मोटर के अंदर पानी डाल दिया, अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी मोटर चालू हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर की सील लीकेज नहीं हो रही। मैं यहाँ पर आपको और पानी डाल करके दिखाऊंगा। तो हम पीछे मोटर के हाथ लगा लेंगे ताकि पानी का प्रेशर भी हमें चेक हो जाए, अगर प्रेशर अच्छा होगा तो सील लीकेज भी नहीं हो पाएगी। तो हम पानी डाल रहे हैं इसके अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी प्रेशर है। हम हाथ को पीछे को हटा करके देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारा हाथ अच्छी तरह से खींच रही है, यानी प्रेशर भी इसके अंदर अच्छा खासा है और सील भी लीकेज नहीं है। मैं आपको मोटर को टेढ़ा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर में कोई भी लीकेज नहीं है, यानी सील लीकेज नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह से आप टुल्लू पंप की मोटर की सील चेंज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।